ओके हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिनक्स के अंदर देखा था कि लिनक्स किस तरीके से कहाँ पे यूज होता है, उसके बेनिफिट्स, उसके फ्लेवर्स, ठीक है। तो वो बेनिफिट्स हमने उसके देखे थे कि किस तरीके से लिनक्स का यूज़ अभी हो रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो आज हम सीखेंगे कि लिनक्स को हमारे पीसी के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमें आगे पता चलेगा कि उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनलिटी हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पीसी के अंदर या फिर हमारे लैपटॉप के अंदर लिनक्स होना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हम उसके साथ किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंस्टॉल किस तरीके से होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप या पीसी है तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास विंडो ओएस है तो विंडो के अंदर भी आप अपना अलग से उबंटू ऐड कर सकते हो, या फिर लिनक्स विंडो है वो निकाल के उबंटू भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना कि ओएस भी चाहिए और उबंटू भी आपको रखना है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो ओएस है विंडोज़ 10 या 8, किसी भी ओएस के साथ आपको उबंटू भी चलाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अलग से वर्क स्टेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर उसकी प्रोसेस दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वीएमवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे, मतलब ये हमारा अलग से एक ओएस प्रोवाइड करवाता है जिसके अंदर हम अलग से कोई नई ओएस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे एक ही पीसी के अंदर दो अलग अलग ओएस ऐड करनी है तो भी मैं वीएमवेयर के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले तो वीएमवेयर समझना पड़ेगा कि वीएमवेयर एक्जैक्टली क्या है, तो वो उसकी प्रोसेस है। वीएमवेयर मतलब वर्चुअल मशीन, एक अलग से ओएस क्रिएट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि उसके अंदर आप अलग से वॉइस चला सकते हो, मतलब एक रैम या हार्ड डिस्क आपकी अलग से प्रोवाइड करवाएगा। फिर एक इंस्टॉलेशन, वीएमवेयर का इंस्टॉलेशन किस तरीके से करते हैं, फिर वीएमवेयर के अंदर आप लिनक्स डिस्ट्रो किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड करके उसके अंदर हम अलग से वॉइस हमारी चलाएंगे जो उबंटू लिनक्स तरीके से वर्कआउट करेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वीएमवेयर वर्क स्टेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दी गई है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे लिंक नहीं चाहिए तो ऐसे भी डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे गूगल के अंदर आपको फाइंड आउट करना है वीएमवेयर वर्क स्टेशन डाउनलोड, ठीक है। और इसके अंदर आपको फर्स्ट में जाना है, ठीक है। ये जो लिखा है डाउनलोड वीएमवेयर वर्कस्टेशन प्लेयर प्रो या प्रो के अंदर, यहाँ पे वीएमवेयर प्रो वर्कस्टेशन लिखा है, वीएमवेयर प्रो लिखा है उसमें नहीं जाना, क्योंकि ये प्रीमियम वीएमवेयर वर्कस्टेशन है। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना। जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि डाउनलोड वीएमवेयर वर्कस्टेशन प्लेयर, ठीक है, माई वीएमवेयर, उसके अंदर ही आपको जाना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक अलग से एक पैनल ओपन करके वो देगा। जैसे ही अलग से एक पैनल ओपन हो जाएगी तो यहाँ पे दो तरीके आपको दिए हुए डाउनलोड करने के, ठीक है। तो वीएमवेयर वर्कस्टेशन 16.1.1 प्लेयर ये आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। वो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिया कि वीएमवेयर वर्कस्टेशन फॉर विंडो 16 बिट, और ये दिया है लिनक्स के लिए। तो हमें ये फर्स्ट वाला इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है विंडो 64 बिट के लिए। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपके जो डाउनलोडिंग चल रहा है, ठीक है, कंट्रोल जे जैसे ही आप करोगे तो वहाँ पे डाउनलोडिंग आपकी प्रोसेस चालू होगी। मेरे पास यहाँ पे IDM है इसलिए मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पास अगर IDM नहीं है तो आपका जो कंट्रोल जे जैसे ही करोगे कंट्रोल जे जैसे ही करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होना चालू हो गया, 215 MB का है। तो इसके लिए आपको नेट भी बचा के रखना है, ठीक है। अगर किसी के पास पड़ा हुआ है वीएमवेयर तो जिसके पास वाईफाई उसके थ्रू भी आप मंगा सकते हो, ठीक है, आपका नेट वेस्ट ना हो इसलिए। फिर ओपन सॉफ्टवेयर में जाने के बाद, ओपन फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे वीएमवेयर दिखाई दे रहा है तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बस इस तरीके से कुछ स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे लाइसेंस पे एक्सेप्ट करके उसके बाद नेक्स्ट करना है,
यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पर भी नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारी चालू हो जाएगी। तो VMware जब तक इंस्टॉल ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो इंस्टॉल की प्रोसेस हम चलने दे रहे हैं। जैसे ही एंड में पहुंचेंगे तो यहाँ पे फिनिश दिखेगा। जैसे ही फिनिश करोगे तो आपको डेस्कटॉप पे जाना है और डेस्कटॉप के पास यहाँ पे VMware आपको सक्सेसफुली इंस्टॉल इस तरीके से कुछ आना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपको वर्क स्टेशन अलग से प्रोवाइड करके वो देगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या देना है कि यूज़ VMware वर्क स्टेशन फॉर फ्री और एज यहाँ पर कंटिन्यू और यहाँ पर फिनिश। तो इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका VMware सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए कि Ubuntu चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि Ubuntu के लिए भी हमारे पास यहाँ पे उसकी लिंक दी गई है कि Ubuntu डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला Ubuntu डाउनलोड करना है कि 20.4.2.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट LTS का मतलब हो जाता है, एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया या डाउनलोड कर लिया तो वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये ही इसके अंदर आपको ये वाला नीचे वाला डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि इसके लिए आपको क्या मांगेगा कि वो बार बार अपडेट आता रहेगा तो अपडेटेड वर्जन नहीं होगा ये, ठीक है। और इंस्टॉल करने के लिए आपको मिनिमम कितनी चीज़ें चाहिए, तो 4GB रैम चाहिए, मेमोरी चाहिए और 25GB तक फ्री हार्ड ड्राइव चाहिए, ठीक है। तभी आप Ubuntu को इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं डाउनलोड करूंगा यहाँ पे तो वापस मुझे जैसे मैंने VMware इंस्टॉल किया था वैसे ही मुझे IDM के अंदर पूछेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 2.67GB का ये Ubuntu है। तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप स्टार्ट डाउनलोड करना चालू करोगे, ठीक है, तो मेरे पास मिनिमम 6 मिनट लगेगी। तो अगर आपके पास Ubuntu नहीं है तो आप किसी फ्रेंड के थ्रू भी या वाईफाई जिसके पास है उसके थ्रू भी आप मंगा सकते हो, ठीक है, ताकि आपका नेट वेस्ट ना हो। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हमें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए VMware ऑलरेडी हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसके अंदर ही सारे प्रोसेस करेंगे, पर ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो जाए, Ubuntu OS डाउनलोड हो जाए उसके बाद। जैसे ही हमारा जो Ubuntu Linux है वो डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर, तो हम उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब क्या करना है कि जो हमने VMware को इंस्टॉल करके रखा हुआ था, ठीक है, इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या पे जाना है कि क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपके पास वो क्या मांगेगा कि आपके पीसी के अंदर से अलग से सिस्टम को जगह रोकने के लिए, मतलब OS को इंस्टॉल करने के लिए जगह प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि कोई फाइल iOS जो फाइल है Ubuntu है वो जहाँ पे डाउनलोड हुआ है उसका पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने Ubuntu का पाथ दे दिया जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था। तो इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट फिर आपको अपना OS के लिए यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मिलन कथीरिया, ठीक है, मिलन कथीरिया। यूजर नेम भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे मिलन, मिलन दे दिया। यहाँ पर भी हम यूजर नेम भी मिलन दे दे, फिर पासवर्ड हम दे रहे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो उसके बाद वापस एक नेक्स्ट, फिर उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि मिनिमम उसको 20GB तो चाहिए ही तभी वो इंस्टॉल करेगा, तो स्टोर वर्चुअल डिस्क में करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ी साइज इसकी बढ़ा देता हूँ, 28 कर देता हूँ, ठीक है, 20GB मिनिमम चाहिए रिकमेंडेशन। जैसे नेक्स्ट करोगे
और फिनिश करोगे तो इंस्टॉलेशन होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस वो थोड़ा टाइम लेगी, और यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल ये भी आपको देना पड़ेगा, ताकि आपकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो भी ऑटोमेटिकली लिनक्स इंस्टॉल करना चालू कर देगा। ठीक है, तो जब तक ये प्रोसेस ख़त्म ना हो तब तक हम इसको एज इट इज रहने देंगे। ओके आपकी नेट यहाँ पे उबंटू है सक्सेसफुली इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अभी यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होनी बाकी है। ठीक है, यहाँ पे अभी ये प्रोसेस हमारी चल रही है। अभी इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो भी डाउनलोड करेगा। ठीक है, मतलब हम जो मोजिला उबंटू बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉल करके देता है वो सारी चीज़ें नेट पर से फाइंड आउट करके वो आपको देगा और इंस्टॉल करेगा। ठीक है, ताकि आपका नेट अच्छा होना चाहिए तभी ये वर्कआउट करेगा, वरना ये आते से ही रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी प्रोसेस अभी इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखो हमारा लिनक्स सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है अब। ठीक है, और यहाँ पे टाइमिंग भी हमें दिखा रहा है सही तरीके से, और मैंने यूज़र नेम रखा था मिलन और पासवर्ड भी 12345। तो उसके बाद वो मेरे पास पासवर्ड पूछेगा कि आपने क्या पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड आपको भूलना नहीं है और शॉर्ट भी रखना है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो जैसे ही एंटर करोगे तो आपकी उबंटू है लिनक्स सिस्टम है यहाँ पे रन होना चालू हो जाएगी। तो आपके सिस्टम पे डिपेंडेंट करता है कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और आपका जो सिस्टम है ठीक है उस पर भी डिपेंडेंट करेगा कि कितनी चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती है। अगर ऑनलाइन अकाउंट के साथ डायरेक्टली आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसमें से ये गूगल जीमेल उबंटू नेक्स्ट क्लाउड तो उसके साथ भी डायरेक्टली अटेंड करो। अगर नहीं करना तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, स्किप करने के बाद आपको सर्च करना है कि सेटिंग में जाना है। ये अभी हमें आधी स्क्रीन दिखाई दे रही है, मुझे फुल स्क्रीन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा और यहाँ पे आ जाऊँगा मैं सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये पैनल दिखाई देगा और यहाँ पे आपके सारे के सारे टूल्स दिखाई देंगे। ये आपके फ्रिक्वेंट ऑल, ठीक है, ये आपकी सारी फाइल थी, ये आपका मोजिला था। ठीक है, कैलकुलेटर चाहिए तो यहाँ पर भी जैसे हम विंडो पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो फंक्शन थी वो मुझे दिखती है, वैसे ही मुझे यहाँ पर भी दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर जैसे ही ओपन होगा तो उसके बाद आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर। ओके, यहाँ पे अपीयरेंस, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले वो चूज करनी है। ठीक है, कैसी आपको
स्क्रीन चाहिए। तो यहाँ पे आप थीम भी उसके बेस पे करते हो, तो यहाँ पे ब्लैक हो गया, यहाँ पे लाइट हो रहा है, यहाँ पे एकदम लाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी अपीयरेंस भी चेंज आप कर सकते हो। उसके बाद आपकी जो स्क्रीन थी, ठीक है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन है उसके मुताबिक यहाँ पे आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो स्क्रीन थी वो उसके हिसाब से हो जाए। देखो तो इसके हिसाब से आ गई, बहुत आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस चेंज करता हूँ 1206962, और जैसे ही अप्लाई करूँगा तो ये फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने हमारी जो सिस्टम थी वो इंस्टॉल कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जैसे मैं इसको बंद करूंगा तो वापस हमारी स्क्रीन फुल स्क्रीन मोड के अंदर अब दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी जो ओएस है, ठीक है, लिनक्स से आपको इंस्टॉल करनी रहती है। अगर वापस आपको चेंज करना है तो इसके अंदर आपको यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना था, ठीक है, और जैसे विंडो पे क्लिक करोगे तो ऐसे ही यहाँ पे सेटिंग्स आते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर भी आप यहाँ पे अपनी जो स्क्रीन रिजोल्यूशन है वापस ही चेंज यहाँ पे कर सकते हो। ये बहुत आई थिंक बड़ी हो जाएगी, लैंडस्केप, और यहाँ पे आपको ठीक है इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपकी विंडो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑन कर दो। तो ये आपकी जैसे विंडो यूज़ करते हो वैसे ही यहाँ पे आप सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ भी इंस्टॉल, तो यहाँ पे हम आगे जाके हमारी जो कमांड लाइन है उसको चालू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं सेल लिखूँगा, टर्मिनल लिखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी कोडिंग चालू करेंगे लिखना। जैसे मैं यहाँ पे ls दूंगा तो अभी मैं हमारे ls मतलब लिस्ट, तो डेस्कटॉप हमारे जो मेन डेस्कटॉप पे क्या क्या पड़ा हुआ वो मुझे यहाँ पे दे देगा। फिर टॉप लिखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दे देगा कि जो भी आपकी प्रोसेस अभी चल रही है उसकी एक आईडी देती है, उसके थ्रू आप किसी को भी बंद यहाँ पे कर सकते हो या फिर चालू भी कर सकते हो। या आपकी फाइल मैनेजर होगी तो यहाँ पे आपको जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर जो भी दिया हुआ है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। तो और कमांड प्रॉम्प्ट है उसके बेस पे आपको सारी कुछ फंक्शनलिटी करनी है। इसमें से बाहर निकलना है तो कंट्रोल सी जैसे ही प्रेस करोगे तो बाहर निकल जाओगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल एल करोगे तो पूरी स्क्रीन यहाँ पे गायब हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप Ubuntu को इंस्टॉल करने के बाद टर्मिनल को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी Ubuntu सिस्टम में इंस्टॉल होगी, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट्स है ठीक है, तो अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे मैंने उसके स्टेप लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपको करना है इंस्टॉलिंग Ubuntu होते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे सारी प्रोसेस आपको दी हुई है, राउंड करके भी दिया हुआ है मैंने कि क्या कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली हमारी Ubuntu इस तरीके से इंस्टॉल होगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो पासवर्ड और ये इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा। ठीक है,
तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी उबंटू इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको यहाँ पे अब आपके क्वेश्चन दिखाई देंगे ताकि आप अटेंडेंस वहाँ पे सही तरीके से कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। कि यहाँ पे आपको ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए गए हैं ताकि आपकी अटेंडेंस सही तरीके से यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ उबंटू, वेयर यूज उबंटू एंड बेनिफिट्स ऑफ उबंटू। ठीक है, तो उबंटू मतलब वन टाइप ऑफ लिनक्स ही हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लास्ट में आपको रखने ही रखने हैं ताकि आपकी अटेंडेंस यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाए। तो ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। ठीक है, इसको अच्छे से करना। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।